शिक नमस्कार। इस संदर्शन में हमारे साथ है नागपुर शहर के फेटरी ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती धनश्री मुकेश ढोमने मैडम जी को, और मुकेश ढोमने महात्मा गांधी तंटा मुक्त समिति के अध्यक्ष फेटरी, इन सभी को आपकी ओर से और नेशनल पॉलिटिक्स ऑनलाइन सोशल मीडिया की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, आपका एक छोटा सा परिचय हमारे वीक्षकों के लिए। धनश्री मुकेश ढोमने, सरपंच ग्राम पंचायत फेटरी। सर आपका छोटा सा परिचय। मैडम मुकेश प्रेमदास ढोमने, महात्मा गांधी तंटा मुक्त समिति का प्रेसिडेंट करके मैं गांव में काम करता हूँ। मैडम आपके जीवन में आपके लिए आदर्श व्यक्ति या राजकीय गुरु कौन है? मैडम हमारे पति और शरद पवार जी। सर आपके जीवन में आपके आइकॉनिक पर्सन और राजकीय गुरु कौन है? सर हमारे नेशनल लेवल पे शरद पवार है, और यहाँ स्थानिक लेवल पे रमेश चंद्र जी बंग माजी मिनिस्टर महाराष्ट्र राज्य हमारे आदर्श है। सर आपके सामाजिक और राजकीय सेवाओं के बारे में बताइए। सर हमारा जन्म एक गांव में हुआ, पहले से ही हमारे मन में समाज के प्रति कुछ अच्छा करने का हमारे दिल में था, और उसके लिए राजनीति से दूसरा पर्याय नहीं था। इसके पहले राजनीति में आने के पहले ही हमने ये गांव में सबसे पहले महात्मा गांधी तंटा मुक्त समिति का प्रेसिडेंट करके 12 साल से काम कर रहे हैं। वो माध्यम से पहली बार हम ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े, और वार्ड नंबर 3 से, और यहाँ के गरीब जनता ने हमको भारी वोटों से जिताया। और पिछले 5 साल एक ग्राम पंचायत सदस्य के तौर पे हमने लोगों को रोजगार देना और अपने वार्ड में कम से कम 80 से 90 लाख के काम किए हैं, और तंटा मुक्त के माध्यम से कोई भी यहाँ समस्या लेके आया तो उसका काम करने का हमने काम किया, और डेवलपमेंट के काम में ज़्यादा फोकस दिया हमने, और ये गांव को एक सुसज्ज स्वच्छ गांव बनाने का हमने बीड़ा उठाया। और बाद में ग्राम पंचायत के दोबारा चुनाव आए तो महिला राखी हो गई, उसमें हमने हमारे मिसेस को सरपंच के तौर पे इस गांव में लड़ाया, और इस गांव के लोगों ने हमको भारी वोटों से सरपंच पद पे हमारे मिसेस को चुन के दिया। और आज 1 साल पूरा हुआ है, स्पेशली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ये गांव दत्तक लिया है, और ये गांव का एक विकास आराखड़ा बनाया गया है, और वो माध्यम से ये गांव में बारिश से डेवलपमेंट के काम चालू है। उसमें स्पेशली सबसे पहले तो कोई भी एक शासकीय इमारत यहाँ खड़े करने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने रिक्वेस्ट की जुड़पी जंगल की 5 एकड़ जगह माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हमारे गांव को पूरी प्रोसीजर करके मिली और ग्राम पंचायत के नाम पे चढ़ी। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पशु वैद्यकीय दवाखाने का काम 90% हो गया है, वहाँ नई ग्राम पंचायत भवन का काम हुआ है, वहाँ सांस्कृतिक भवन का काम हुआ है, वहाँ आंगनवाड़ी का काम हुआ है, वहाँ वाचनालय का काम हुआ है, और अभी जिला परिषद स्कूल का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन वहाँ चालू है। उसी प्रकार ये गांव में नागपुर ज़िले में पहला गांव है जहाँ शुअर लाइन का काम हुआ है, और सभी शौचालयों को वो शुअर लाइन से जोड़ा गया है। और दूसरा कि सभी अंडरग्राउंड नालियाँ ये गांव में हैं, और आरोग्य के हिसाब से ये गांव में 2 कचरा गाड़ी है, रोज़ सुबह गाड़ी कचरा उठाती है और डंपिंग एड पे ले जाके डालती है, तो बहुत सारे विकास के काम ये गांव में चालू है। उसी प्रकार हेल्थ के हिसाब से एक नेशनल पार्क और ओपन ग्रीम का काम यहाँ हुआ है, सरकारी जिम है, वाटर एटीएम है, और गोरेवाड़ा से पानी आता है, फिल्टर होता है, पूरे गांव को वितरित किया जाता है, पानी की समस्या ये गांव में नहीं है, और बहुत सारे हेल्थ कैंप, राशन कार्ड, महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए इसलिए ट्रेनिंग देने का काम, ये सभी काम ये गांव में
चल रहे हैं और एक साल में बहुत सा विकास ये गांव में हुआ है और सामने भी चलता रहेगा। पर्यावरण के हिसाब से प्लांटेशन के काम हमने 100% किए हैं और एक अच्छा स्मशान घाट भी यहाँ निर्माण हुआ है और बहुत सारे काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ये गांव में चालू है और ये एक आदर्श गांव करके जाना जाएगा। इस प्रकार हम भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमको हमारे 5 साल में ये गांव को एक देश में नंबर 1 का गांव बनाने के मार्ग में हम विकास करने का काम कर रहे हैं। सर, राजनीति में महिलाओं का सहभागी होना, इस पर आपके विचार? जरूर आना चाहिए। एनसीपी के नेता शरद चंद्र पवार जब सीएम थे, उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्था में दिया है और आज पुरुषों के बराबर महिला हर जगह काम कर रही है और महिला ने राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के जो प्रश्न रहते हैं ज्वलन, वो महिला ही सवाल कर सकती है और उनके प्रश्न वही मान सकती है। इसलिए महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए ताकि पुरुष और महिला समान काम कर सके, ऐसे हमको लगता है। मैडम, आप नेशनल कांग्रेस पार्टी के फेटरी गांव में आपने सरपंच का पद ग्रहण किया है, महिलाओं का राजकीय में सहभागी होना, इस पर आपके विचार? जरूर होना चाहिए सहभाग, क्योंकि महिला सहभागी होगी तो यानी जब 50% आरक्षण है तो यानी आधी महिला तो काम करेंगी जी, और करना चाहिए जी। सर, युवाओं को आपका संदेश? युवाओं के लिए ये संदेश है कि मेन गवर्नमेंट सर्विस के तरफ फोकस न करते हुए बहुत सारे ट्रेनिंग अपने देश में दिए जाते हैं, स्वयं रोजगार पे ध्यान देना चाहिए और क्योंकि युवा सामने के भविष्य है, इसलिए सिर्फ नौकरी पे फोकस न रखते हुए बिजनेस धंधा, और ये ग्रामीण का भाग है, यहाँ कृषि क्षेत्र में भी युवाओं ने ध्यान देना चाहिए और क्योंकि देश का सामने का भविष्य वही है, इसलिए उन्होंने भी राजनीति में आना चाहिए और एक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए और स्वयं रोजगार के लिए अपने परिवार के लिए भी काम करना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। सर, शाला शिक्षण और स्वच्छता के बारे में आपके विचार? ये गाँव, हाँ बोलिए सर। ये गांव में बहुत सारे लोग प्राइवेट संस्था के तरफ जा रहे थे, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की को रिक्वेस्ट की और एक अच्छी डिजिटल स्कूल की डिमांड रखी। उन्होंने 1,15,00,000 की एक अच्छी स्कूल की वास्तु हमारे यहाँ मंजूर की और उसका काम चालू है और बच्चों ने उसका लाभ लेना चाहिए और प्राइवेट संस्था की तरफ न जाते हुए एक अच्छी डिजिटल स्कूल में, सरकारी स्कूल में उसका लाभ लेना चाहिए। और वैसे ही हमारे गांव में हर स्कूल में प्रोजेक्टर लगे हैं, लैपटॉप लगे हैं और एक अच्छा सरकारी स्कूल अच्छी सेवा दे रही है, इसलिए इनका लाभ लेना चाहिए। सर, स्वच्छता रिलेटेड आपके गांव में बहुत सारे काम हो चुके हैं, स्वच्छता के बारे में आप विचार? सर, सबसे अच्छा तो मनुष्य के जीवन में स्वच्छता बहुत मायने रखती है, इसीलिए स्वच्छता का काम हमने किए। लेकिन जो हम कचरा वचरा उठाते हैं उसके लिए एक ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर मशीन लगाई है और गांव का पूरा कचरा उठाते हैं, उसमें से सूखा जलाते हैं और गीला कचरा हम वो मशीन में डालते हैं, उससे 24 आवर्स में खाद निर्माण होता है। और स्वच्छता का उद्देश्य हमारा यही है कि ये गांव में रोग राई नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हमेशा सड़कें साफ करते रहते हैं, अंडरग्राउंड नालियां है उसके चैम्बर साफ करते रहते हैं और मनुष्य के जीवन में स्वच्छता रहने से कोई रोग राई गांव में नहीं आएंगी, इसलिए हम स्वच्छता पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सर, आने वाले चुनाव पर जनता के लिए आपका संदेश? पॉलिटिक्स को बोलूं क्या? हाँ बोलो सर। देखिए, ये गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है लेकिन कुछ निर्णय इनके गलत हुए हैं, जैसा नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया और
समस्या में रोजगार क्या है, इन्होंने वचन दिया था कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे, इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। महंगाई आसमान छू गई है, इलेक्ट्रिक बिल बढ़ी है, सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, इसलिए आम नागरिक त्रस्त है। लेकिन हमारे गांव पे हम सीएम जी का आशीर्वाद है, हमारे गांव में काम अच्छा हो रहा, लेकिन जनता में पूरे देश में ये सरकार के प्रति नाराजगी है। प्रिय वीक्षक, सर जी ने और मैडम जी ने अब तक अपने विचार आप सभी के साथ और नेशनल पॉलिटिक्स ऑनलाइन मीडिया के साथ व्यक्त किया है। सर जी को और मैडम जी को हार्दिक धन्यवाद कहते हैं। नमस्कार।